फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू न्यूटेक फैमिली। मैं तीर्थ, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 10 क्वेश्चन एंड आंसर जो एचआर राउंड में पूछा जाता है। हम लोग बहुत ही इजी लेते हैं एचआर राउंड को, हमें लगता है हम टेक्निकल राउंड में क्लियर कर लिए थे हम सिलेक्ट हो जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो एचआर राउंड के हिसाब से फोकस किया जाता है कैंडिडेट सिलेक्ट होने वाला है रिजेक्ट होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को लगता है एचआर राउंड में ऐसे कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बहुत ही जो बेसिक क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। बट उसी के वजह से यही सब क्वेश्चन के हम प्रॉपर आंसर नहीं देने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट एलिमिनेट होते हैं। चलिए अभी वही 10 क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर बात करेंगे जो हर वक्त हर कैंडिडेट को पूछा जाता है। ये हर एचआर राउंड का कॉमन क्वेश्चन है, बट उसको कैसे ट्रिकी आंसर देके हम हमारा एचआर राउंड को क्लियर कर पाए ये क्वेश्चन आंसर से आपको आइडिया आ जाएगा। मेरे ऐसे टाइप का टेक्निकल वीडियो आपको देखना है तो मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है तीर्था नुईटेक। आपका कुछ क्वेरी रहेगा, आपको और कुछ जानकारी रहेगा, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं। आप पहली बार मेरा वीडियो पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए। जैसे ही मैं ऐसे टाइप का कुछ टेक्निकल वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन जाता है और आप लोग इजिली मेरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए अभी एक एक क्वेश्चन और आंसर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहले जो हर कैंडिडेट को पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये पहला क्वेश्चन रहता है। उसका कैसे टाइप का आंसर देना है मैं बताता हूँ। पहले स्टार्ट करने के टाइम जो एचआर पर्सन रहेंगे उनको हेलो सर या हेलो मैडम बोल के, जो टाइमिंग जोन में रहेगा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग जो टाइम जोन में रहेंगे वो बोल के देन हमें हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहिए। हेलो, माय नेम इज तीर्था, आई एम वेरी पॉजिटिव एंड माइंडफुल पर्सन विथ एक्सपीरियंस ऑफ 18 years in the mechanical design domain. Over the years, the golden experience I have gained in the teacher I would like to share with everyone aspiring to make it big in the industry. Leading an extremely talented team, I have accomplished some amazing and time-sensitive projects that have been pivotal in increasing the sales and revenue of my organization along with attracting new clients. Second question jo rehta hai, why you apply for this job? और why you apply for this job role, ऐसे टाइप का सेकेंड क्वेश्चन आता है। उसका आंसर है, I am happy to share my view on this. Firstly, this job role is something that is my niche and I am very passionate about. I am confident that working here will be exciting with growth in the future. Also, this company has been on the top of my dream organizations with respect to the workplace, culture and values. As we spend our maximum time at work, I wish to put this time to good use for a better career graph. Third question आता है, share me about your strength, tell me about your strength. Strength के बारे में पूछा जाता है। उसका answer रहेगा, हमारा strength ऐसे बताएं जैसे company को benefit हो, ऐसे type का हमें strength बताना है। My strengths are well aligned with the job requirements. I understand this job role demands clarity in judgments and communication with the clients as well as peers, and I am very much confident about it. Being the primary point of contact for the clients, my positive approach will be first impression with respect to our company. My ability to learn and execute new learnings is an added advantage, and the fact that I need only the preliminary supervision and monitoring will certainly save a substantial time of working. Fourth question jo pucha jata hai wo hamara weakness ke upar, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ के बारे में हम आइडिया देते हैं, हमारा क्या वीकनेस रहता है उसके बारे में पूछा जाता है। टेल मी अबाउट योर वीकनेस, वीकनेस के बारे में भी ऐसे बताना है जैसे कि जैसे मैंने बताया था, स्ट्रेंथ भी ऐसे बताना है जैसे कंपनी की बेनिफिट हो, वीकनेस भी ऐसे बताना है जो कि रियली वीकनेस रहो बट कंपनी की ग्रोथ के लिए भी यूजफुल हो सके। आई अंडरस्टैंड दैट पर्सन्स वीकनेस डिफाइन देम एज इट बिकम्स द ड्राइविंग फोर्स ऑफ देयर लाइफ एज दे कंस्टेंटली वर्क टू ओवरकम दोस। We have learned that honesty pays, but I feel honesty alone becomes helpless without the loyalty and optimism. Being honest and loyal sometimes puts a difficult situation, but the clarity in thoughts gradually brings in the much required calmness in us. Fifth question jo aata hai, what are your expectations on an ideal work environment? Uska answer rahega, I visualize an ideal as a productive creative place where every teammate strives to give their best and achieve success in positive and competitive way.
आई बिलीव सच persons ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू विद their पॉजिटिविटी. माई रिसर्च ऑन दिस कंपनी कंक्लूड द वेरी पॉजिटिव वर्क कल्चर एंड योर वैल्यूज आर ऑल्सो क्लोजली अलाइन टू दैट ऑफ माइंड. सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर अस. उसका आंसर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर मी आर ए पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट, हाई स्टैंडर्ड्स एंड क्रिएटिव एंड एम्बिशियस प्लान्स. एंड आई सी ऑल दीज एट्रीब्यूट्स हियर. योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस हैव गुड ऑनलाइन रिव्यूज एंड रेटिंग्स व्हिच प्रूव योर हाई स्टैंडर्ड्स. ऑल्सो योर वेबसाइट टॉक्स अबाउट द एक्साइटिंग फ्यूचर प्लान दैट इंडिकेट योर एफर्ट्स टू बिकम द मार्केट लीडर. सेवेंथ क्वेश्चन आता है, व्हाट मेड यू लीव योर करेंट जॉब. क्यों आपका करेंट जॉब छोड़ना चाहते हैं. आई फील आई हैव रीच माई फुल पोटेंशियल एट माई करेंट जॉब एंड हेंस आई एम नाउ लुकिंग फॉर ए न्यू चैलेंजेस विथ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी विथ एन एम्बिशियस कंपनी एज योर्स. इन माई करेंट जॉब आई हैव अकम्प्लिश्ड मेनी रिमार्केबल थिंग्स एंड माई एम्प्लॉयर हैज बीन ग्रेट टू वर्क फॉर. However, now I am ready to take a new challenges that will bring a growth in my career graph. Eighth question आता है, where do you see yourself in next 5 years? 5 साल के बाद आपको किधर देखना चाहते हैं. जो main question होता है आपका future 5 years future plan के ऊपर, आप क्या achieve करना चाहते हैं, क्या आपका career growth रहेगा, उसके बारे में पूछा जाता है. उसका answer रहेगा, a quite futuristic question. The optimistic me sees myself in a successful position with this company itself. Upon gaining new skills and continuously upgrading myself with professional trainings and skills, I hope to have achieved a position where the company can rely on me for support to train new members as and when they join the organization. Ninth question आता है, what motivates to you? उसका answer रहेगा, constant growth motivates me the most. Making up goals and timeline to achieve those have been the most exciting things for me. Being satisfied with what I do for myself and my family is my driving force. Tenth question जो पूछा जाता है वो सैलरी के ऊपर है. What are the expectation of your salary? क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं. तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन रहता है. बहुत सारे बंदे डायरेक्टली उनका सिटी से बोल जाते हैं, कुछ मार्केट स्टडी नहीं रहता, आपके एक्सपीरियंस कितना है, आप कौन से जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, क्या मार्केट में ट्रेंडिंग है, कितना पैकेज लोगों को मिलता है, ये प्रॉपरली स्टडी करके ये आंसर देना चाहिए. मैं कैसे उसको आंसर दूं, उसका एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं. उसका आंसर रहेगा, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट टू कीप थिंग्स क्लियर. समथिंग अराउंड 5 लाख 10 लाख व्हाट यू एक्सपेक्टिंग. ओके, सो जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा, जो आपका डोमेन में नॉलेज रहेगा, जो फील्ड पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं कि जो भी फील्ड पे आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, उसके हिसाब से आप सैलरी एक्सपेक्टेशन बता सकते हैं. एवरीथिंग डिपेंड अपॉन योर करेंट एक्सपीरियंस एंड रिक्वायर्ड इंडस्ट्री. ये जो है आपका एक्सपीरियंस और जो इंडस्ट्री में आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, जो डोमेन पे आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, वो पूरा डिपेंड उसके ऊपर ही करता है कि आप सैलरी कितना एक्सपेक्ट करेंगे. बिफोर द इंटरव्यू माई इंडस्ट्री रिसर्च पॉइंट टू अर्न एवरेज सैलरी ऑफ जो भी रहेगा दैट लाइक पैकेज फॉर दिस रोल. व्हाइल आई जेन्युइनली बिलीव दैट आई एम वर्थ much higher than this, but appreciating that fact that you are not aware of my skills and the capabilities, I will prove my worth for this. Hence, a salary of 10 lakh or 15 lakh or 8 lakh, jo bhi rahega. Hence, a salary of 10 lakh is what I am comfortable with, believing that surely you will get a positive return on your investment. Aise properly answer deke, aapka एचआर राउंड क्लियर कर सकते हैं. एचआर राउंड में जब आप आंसर दे रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज के ऊपर फोकस कीजिए. जो आंसर आपको प्रॉपरली नहीं आता है, उसको आप स्माइल देके ये सर नो में आप बता सकते हैं. मेनली फोकस आपके बॉडी लैंग्वेज और आई कॉन्टेक्ट के ऊपर ही रहना चाहिए. मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो और जो मैंने ये क्वेश्चन आंसर बताया आपको, आपको बहुत यूजफुल रहेगा. आप कहीं पे कभी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं कि आपका कोई फ्रेंड्स और रिलेटिव इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, ये वीडियो एक बार देख के आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो 100% आप एचआर राउंड क्लियर कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. चलिए फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ. तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए. बाय, टेक केयर.